अभी कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के देशों में एक लड़ाई का दौर ही चल पड़ा है। जैसे अभी थोड़े समय पहले इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध समाप्त हुआ है, दूसरी तरफ एक और युद्ध स्टार्ट हो गया ईरान और इजराइल के बीच में। 14 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के द्वारा हमला कर दिया, लेकिन उस समय इजराइल का जो आयरन ड्रोन सिस्टम है यानी एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसने इन मिसाइलों को जमीन पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया। और जब यह हमला हुआ तो उसके बाद इजराइल में एक बैठक हुई और बैठक के बाद इजराइल ने कहा था कि वह अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारेगा, वह इस हमले का बदला जरूर लेगा और ऐसा बदला लेगा कि ईरान की रूहें तक कांप जाएंगी। और अब यह सारी दुनिया जानती है कि इजराइल जिस तरीके से गुस्से में है वह ईरान पे हमला जरूर करेगा और इससे एक अलग लेवल का युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, जिसे रोकना शायद किसी के बस में नहीं होगी, क्योंकि दो बहुत पावरफुल देश आपस में टकराएंगे। और जब से यह ईरान और इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। मतलब जितने देश हैं इन देशों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब इजराइल की तरफ हो गए हैं, और वहीं पर रसिया, चीन, तुर्की, ये सब ईरान की तरफ हो गए हैं। और अगर ये देश आपस में टकराएंगे तो पक्का है कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल हमास के हमले के बाद जब से इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया है तब से ईरान इजराइल के विरोध में ही खड़ा हुआ था। दोनों देशों के बीच में एक खींचातानी तो चल ही रही थी, लेकिन इन दोनों देशों की दुश्मनी तब बढ़ गई जब 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान की असेंबली के बगल में, जस्ट बगल में मौजूद कौंसुलेट ऑफिस पर बमबारी कर दी, और इस बमबारी से ईरान के 2 जनरल और कई अफसर मारे गए, जिससे ईरान बहुत गुस्से में आ गया और वह किसी भी तरीके से इजराइल से बदला लेना चाहता था। आज ईरान और इजराइल तो दुश्मन हैं, लेकिन एक समय ये बहुत खास दोस्त थे। दरअसल जब सन 1948 में इजराइल बना तो इजराइल को देश की मान्यता देने वाला ईरान ही दूसरा मुस्लिम देश था। तो आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों देश दुश्मन बन गए? दरअसल 1948 से लेकर 1979 तक सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों देश आपस में हथियार सप्लाई करते थे, आपस में युद्ध अभ्यास करते थे, आपस में टेक्नोलॉजी साझा करते थे। लेकिन साल 1979 में ईरान के इस्लामिक नेता आयतुल्ला की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके बाद ईरान पूरी तरीके से बदल गया और आयतुल्ला ने इसराइल को अमेरिका का दोस्त मानते हुए, अमेरिका का पपेट मानते हुए ईरान से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। और यहाँ तक कि जो तेहरान में इजराइल दूतावास था उसे फिलिस्तीन दूतावास में उन्होंने बदल दिया, यानी उन्होंने इजराइल को पूरी तरीके से अपने से बायकॉट कर दिया। और उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि वह फिलिस्तीनियों का हक मार रहे हैं, यानी एक समय जो कंट्री इजराइल को एज ए देश की मान्यता दी थी आज वही कंट्री उसके विरोध में खड़ी हो गई कि वह इजराइलियों का हक मार रहे हैं। और ईरान ये सब ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उस समय में इन सारे इस्लामिक देशों में एक होड़ मची हुई थी कि ये सारे इस्लामिक देशों के बीच में सबसे मजबूत कंट्री कौन सी है। और धीरे धीरे ईरान और इजराइल के बीच में दुश्मनी बढ़ती गई और आज उसी दुश्मनी का नतीजा है कि ये दोनों देश तृतीय विश्व युद्ध कराने के मुहाने पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप आज के समय में जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें आप किसको सपोर्ट करते हैं? कमेंट करें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।